तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। जगजीत सिंह महान आर्टिस्ट बोलूं, इमॉर्टल आर्टिस्ट बोलूं, जो भी कहूं कम है। हमारे जो हेरिटेज है इंडियन म्यूजिक का, जब तक चांद सूरज रहेगा, जब तक गाने की बात होगी, तब तक जगजीत सिंह जी जो है हमारे बीच में, दिलो दिमाग में छाए रहेंगे, जिंदा रहेंगे। तो तेरा चेहरा वो एल्बम का एक गाना है जो एल्बम टिप्स ने कंपाइल किया है, जिसमें हमारे सारे कंटेम्पररी सिंगर्स ने भी गाया है। और ये हमारी तरफ से जगजीत सिंह जी को एक ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट शब्द का ओवर यूज हो जाता है, तो मैं कहूँगा कि श्रद्धांजलि है। जगजीत सिंह जी को कहीं भी मैंने जो है इमिटेट या नकल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो इनकम्पेरेबल थे। कोई कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई मतलब उस तरीके से उस गाने को पेश करने की कोशिश करूं। बस जगजीत सिंह जी को पर्सनली जानने का मुझे मौका मिला था। उनके घर पे भी कई बार जाके रियाज रियाज करता था बीच बीच में। एक न्यूयॉर्क में एक चांस मीटिंग में मेरे से मुलाकात हुई थी, मेरे गाना सुना उन्होंने, मैं हेडफोन में सुन रहा था वॉकमैन में 1993 में JFK एयरपोर्ट में। उन्होंने सुन के बोला था वो, फिर वही रात है फिर वही ख्वाब, रात है ख्वाब की, ये गाना मैं सुन रहा था। तो उन्होंने सुना और फिर बोला किसने गाया? मैं बोला सर मैंने खुद गाया है। तो उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी का, मैं अटर ह्यूमिलिटी से कह रहा हूँ, बहुत ही हम्बल्ड हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का कॉस्टलीस्ट कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया था कि तुम तो किशोर कुमार का भाई लगते हो। तो उसके बाद घर पे बुलाते थे, सारा जो है इमेल लेटर्स, पोस्ट कार्ड, उस वक्त जो होता था सब बेड पे पड़ा रहता था, इनकम टैक्स के पेपर्स, बिल्स, ये वो फाड़ते थे, पढ़ते थे। और उनका शागिर्द था घनश्याम वासवानी, बहुत अच्छा गाते हैं वो, तानपुरा में तानपुरा छेड़ते थे और वो सुर लगाते थे, छोटे छोटे हरकत करते थे और बोलते थे करो। तो मैं, ये मुझे मौका मिला। और उसके बाद जो है मैंने देखिए इतने बड़े क्या कहूँ, इतने बड़े एक पर्सनालिटी है, इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर है, लेकिन मेरा पॉप एल्बम 2007 में रिलीज हुआ कुछ ऐसा लगता है, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने वो पॉप एल्बम मेरे लिए लॉन्च करके दिया था, जो लॉन्च पार्ट, लॉन्च फंक्शन जो हुआ था। He had come, he had stayed, he had launched the album and then interacted with all of us. So he was really a man with big heart. अगर आप cry का देखेंगे तो कितना उन्होंने उसको कितना funds इकट्ठा करके दिया बच्चों के लिए। तो he was one of a kind. और ये सारी श्रद्धा की बातें, ये सारे जो उनके जो खूबसूरत गाने हैं उसको दोबारा गाने का एक एक्साइटमेंट भी होता है। तो उन सारी चीजों को लेके जो है ना हमने ये श्रद्धांजलि की है। और रिक्रिएशन या रिक्रिएशन करना का मतलब ये नहीं है कि आप ओरिजिनल गाने के एसेंस से बहुत दूर चले जाए या कंटेम्पररी कुछ बनाने के चक्कर में आप गाने का मर्डर कर दे। तो मैं शमी टैंडन जिन्होंने ये रिक्रिएशन किया है म्यूजिकल, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि उन्होंने ओरिजिनल गाने का एसेंस को बरकरार रखते हुए एक अलग साउंडस्केप बनाया, जिसमें हमको इन गानों को लोगों के सामने नए तरीके से प्रेजेंट करने का एक मौका मिला। नो कंपैरिजन, कोई नहीं सकता है। मैं सबको यही विनती करूंगा, सबको ये सबसे ये गुजारिश करूंगा कि खुले दिल से आप, हम लोगों की तरफ से जो श्रद्धांजलि दी गई है उसे आप सुनिए। आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो आप यू कैन गो बैक एंड ऑब्वियसली लिसन टू द ओरिजिनल वर्जन बाय द ग्रेट जगजीत सिंह जी। बट हम लोगों ने भी बहुत उम्मीद से, बहुत दिल से, बहुत प्यार इज्जत से उनके गानों को, गाने का एक्साइटमेंट को फील किया। तो आप अगर आप सुने, अगर उसे पसंद करें और हमें प्रोत्साहित करें तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा।